गुड आफ्टरनून ऑल माय फ्रेंड। आप सबको जानकर बेहद खुशी होगी कि आपका पसंदीदा खेल क्रिकेट एशिया कप के बारे में मैं आज का सेशन लेके आया हूँ। बहुत डिमांड थी कि सर एशिया कप के बारे में कुछ क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को टच करता जाऊंगा, क्रीम क्रीम निकालूंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, बाद में इसकी क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। और स्पोर्ट से दो तीन क्वेश्चन आते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में जीके के अंतर्गत एक करंट अफेयर्स का भी एक पार्ट फिक्स रहता है, कितने क्वेश्चन इससे डाले जाएंगे। तो अभी करंट में बहुत हाईलाइटेड चल रहा है कि एशिया कप, व्हाट इज एशिया कप, आखिर एशिया कप क्या है, एशिया कप के बारे में जाने, किसको कौन मैच जीता, किसको क्या हुआ, कहाँ पे एशिया कप खेला गया, कितने टीमों ने मेजबानी की, सब इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए, कभी आपको शॉर्ट पिक बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी पिक के बारे में बता रहा, क्रिकेट ज्ञान के बारे में थोड़ी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ रूबरी। आप लोग भी देखिए, विराट कोहली बने एशिया में सबसे ज्यादा सर्च करने वाले खिलाड़ी। तो जब कोई चीज सर्च की जाती है तो वो क्या हो जाती है, वैल्यूएबल हो जाती है। विराट कोहली जो है सबसे ज्यादा सर्च करने वाले खिलाड़ी बने। चलिए, उसके बाद आइए, ये नाम किसी से छुपा नहीं है, मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इसी कप के बारे में, जो मोहम्मद सिराज वनडे में नंबर एक गेंदबाज बन गए हैं। क्या बन गए हैं, नंबर एक गेंदबाज बन गए हैं। कौन बन गए हैं, मोहम्मद सिराज। और आप लोगों को पता ही होगा कि मोहम्मद सिराज ने उस दिन 6 विकेट लिए थे, तभी श्रीलंका से मैच जीता। अभी मैं इसके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा। और मोहम्मद सिराज की खास बात यह है कि इनको जो मैन ऑफ द मैच उस दिन के लिए दिया गया था, तो उसकी राशि 4,50,000 कुछ समथिंग नियर अबाउट थी। वो पूरी राशि इन्होंने जो स्टेडियम होता है उसमें ग्राउंड वर्कर लगे रहते हैं, तो इन्होंने देखा कि उनके पैरों में चप्पल नहीं है, तो इन्होंने वो पूरी राशि ग्राउंड के ऊपर दे दी कि इन लोगों पर खर्च की जाए। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये हाईलाइटेड क्वेश्चन हो रहा है, मोहम्मद सिराज एक तो विकेट लिया है, उसका ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये क्वेश्चन पे जाना, याद गौर करिए, मोहम्मद सिराज जिनके ही वजह से रचा ताज एशिया कप का। चलिए, अब आइए इसके बारे में थोड़ी देख लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े जो स्टुअर्ट विन्नी है, स्टुअर्ट विन्नी उन्होंने कितने विकेट लिए, स्टुअर्ट विन्नी ने लिए हैं 6 विकेट। उसके बाद अनिल कुंबले, 6 सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े भारत के लिए वनडे में, और जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। ठीक है, हाँ, इसमें ये बात हो रही है कितने रन देकर कितने विकेट लिए। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग मोहम्मद सिराज को देखते हैं, उसके बाद देखिए, मोहम्मद सिराज जिनके ही वजह से एशिया कप का रचा ताज, मोहम्मद सिराज ने रचा था कल इतिहास, एक ही ओवर में 4 विकेट चटकाने वाले बने थे पहले भारतीय गेंदबाज। इन्होंने एक रिकॉर्ड ये बनाया था कि एक ही ओवर में 4 विकेट लिए थे, और टोटल कितने विकेट लिए थे एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ, 6 विकेट लिए थे। ये क्वेश्चन 99% आने के चांस बन रहे हैं। चलिए, अब इसके बारे में हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे।
श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर भारत ने 8वीं बार एशिया कप जीता, कितनी बार आज एशिया कप जीता? 8वीं बार, 8वीं बार एशिया कप जीता अभी तक भारत, 8वीं बार। अगर क्वेश्चन आ गया कि ये जो श्रीलंका से जीत हुई है एशिया कप, तो कौन सी में जीत है? 8वीं बार श्रीलंका को किससे, कितने विकेट से हराया है? 10 विकेट, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले मैच का वर्णन दिया गया है, कहाँ खेला गया? 1984 में एशिया कप जीता है, ठीक है। उसके बाद 1988 में, उसके बाद 1991 में, ये सब बताया गया है। उसके बाद 1995 में, उसके बाद 2010 में, और ये 2016 में, 2018 में किससे जीता ये दिया गया है सब। 2018 थोड़ी पिक में सही से नहीं लिख रहा। चलिए, आप सीधा सीधा समरी बता दे रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन में हम लोगों को क्वेश्चन से हाइलाइटेड से मतलब है, तो आप समरी जानने की कोशिश करिएगा। 15.2 ओवर में श्रीलंका द्वारा टीम का 50 रन पर सिमट गई, ठीक है। 6.1 ओवर में भारत ने ये मुकाबला जीत लिया, 6.1 ओवर में 6 विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए, हाईलाइटेड है, ठीक है। 9 विकेट टूर्नामेंट में लेकर कुलदीप प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, जो एशिया कप की प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे? कुलदीप यादव रहे, इन्होंने 9 विकेट लिए। चलिए, ये क्वेश्चन याद, मेन मेन क्वेश्चन याद हम लोगों को करना है। हाँ, एक क्वेश्चन, एक क्रॉस क्वेश्चन गल रहा है कि जो अजंता मेंडिस हैं, अजंता मेंडिस ने 13 रन देकर कितने विकेट लिए थे? 6 विकेट लिए थे एशिया कप 2008 के फाइनल में। वही रिकॉर्ड को पुनः दोहराया, क्रॉस किया गया है, किसके द्वारा? मोहम्मद सिराज के द्वारा, एशिया कप 2023 फाइनल में, ठीक है। तो जो रिकॉर्ड बनते ही है टूटने के लिए। चलिए, ये तो आउटलाइन समरी बताई, अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा कर दूं आपके लिए। तो सबसे पहले तो हाईलाइटेड क्वेश्चन ही देखना है कि किसे मिला कौन सा अवार्ड। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि स्मार्ट कैच ऑफ द मैच, स्मार्ट कैच ऑफ द मैच रविंद्र जडेजा को दिया गया है, किसको दिया गया? स्मार्ट कैच ऑफ द मैच, क्योंकि ये बहुत अच्छे फील्डर हैं, बैटर हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। कौन? रविंद्र जडेजा। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया गया? मोहम्मद सिराज को। इन्होंने जो राशि मिली थी वो ग्राउंड वालों को दान में दे दी थी। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक हो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? कुलदीप यादव। क्यों रहे? क्योंकि इनने 9 विकेट लिए थे पूरी सीरीज में, इसलिए ये रहे चैंपियंस। अब थोड़ी इसके बारे में और विस्तार से चर्चा कर दूं इसके बारे में इस सेशन में, कि देखिए इधर मैं डिटेल से बताना चाहूंगा कि एशिया कप 2023 का फाइनल रविवार 17 सितंबर को आयोजित हुआ। कब हुआ? 17 सितंबर। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को उसी के घर में 15.2 ओवर में, हाँ एक बात और निकल के आ रही कि मैच कहाँ खेला गया? श्रीलंका में ही खेला गया, और इसकी जो मेजबानी की थी श्रीलंका और पाकिस्तान ने की थी, श्रीलंका और पाकिस्तान ने की थी। मैं अभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पढ़ा रहा था, तो उसमें मैं बताया था श्रीलंका और पाकिस्तान ने की थी, जिसमें से चार, जो 4 मैच खेले गए वो कहाँ खेले गए? पाकिस्तान में, और 2 मैच कहाँ खेले गए? श्रीलंका में। आप लोग वो भी वीडियो देख लीजिएगा, जुलाई वाला, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। इसके बाद 6.1 ओवर में 10 विकेट के बाद में मैच और खिताब अपने नाम कर लिया। एशिया कप का फाइनल मोहम्मद सिराज के नाम रहा, उन्होंने 7 ओवर में 21 रन देकर 6 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज ने ही पूरा ताज रचा था, मोहम्मद सिराज भूलिएगा नहीं, समझे?
ओवर में 21 रन दिए थे और कितने विकेट चटकाए? 6 विकेट। उन्होंने एक ओवर मेडन भी फेंका। ठीक है, ये पूरी समरी है एशिया कप की, फाइनल की। एशिया कप इतिहास में एक किसी भारतीय की बेस्ट बॉलिंग है। स्टुअर्ट विन्नी ने भी 6 विकेट लिए थे। ठीक है, 2008 एशिया कप में श्रीलंका की टीम भारत के खिलाफ 15.2 ओवर में महज 50 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। स्कोर किसी भी टूर्नामेंट फाइनल का सबसे छोटा स्कोर है। हाँ, एक क्वेश्चन इधर ये बन रहा कि सबसे छोटा स्कोर किसी भी टूर्नामेंट फाइनल का सबसे छोटा स्कोर कितना है? 50 रन। इससे पहले साल 2000 में श्रीलंका ने ट्राई सीरीज के फाइनल में भारत को 54 रन पर ऑल आउट किया था। वही रिटर्न गिफ्ट दिया गया है कि आप लोगों ने 54 रन पे किया था, मैंने आपको 50 रन पे भी ऑल आउट किया है। मैंने बोला था ना कि जो रिकॉर्ड बनते हैं वो टूटने के लिए बनते हैं, क्योंकि ये धरती वीरों से खाली नहीं है, कोई ना कोई आया जाता है। 2000 में याद रहेगा ना, 54 रन। देखिए, 1 से 50 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं। आपने समरी पढ़ लिया डिटेल में, एशिया कप से क्वेश्चन मिस नहीं होगा। बाकी सभी लोग क्रिकेट प्रेमी हैं, मैच देखते ही रहते हैं। श्रीलंका के नाम एशिया कप फाइनल में भी सबसे छोटे स्कोर का रिकॉर्ड हो गया। इससे पहले रिकॉर्ड भारत के नाम था। टीम इंडिया 2008 में श्रीलंका के ही खिलाफ 173 रन बनाकर ऑल आउट हुई थी। ठीक है, टीम इंडिया 2008 में श्रीलंका के ही खिलाफ 173 रन बनाकर ऑल आउट हुई थी। एक ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय मोहम्मद सिराज ने एक ओवर में 4 विकेट। अब एक विकेट जो है ये कंटिन्यू नहीं लिए गए हैं, इसलिए इसको हैट्रिक नहीं कहा जाएगा, बट 1 ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। मोहम्मद सिराज ने पहली पारी के चौथे ओवर में 4 रन लेकर 4 विकेट लिए। वह वनडे में एक ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। एक बात पक्की है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, चाहे जिस कंपटीशन में, पैट में हो, यूपीपीसीएस, एनपीपीसीएस, कहीं भी बने आल इंडिया में, भारत में, बस मोहम्मद सिराज का क्वेश्चन डालने के 99% चांस बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये काफी रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। चलिए, अब भारतीय टीम ने जीता सबसे ज्यादा खिताब, इसके बारे में हम लोग थोड़ी और डिटेल से चर्चा कर लें कि एशिया कप 20 वनडे इतिहास में भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 8 बार खिताब जीता। कितनी बार जीता? 8 बार खिताब जीता है। ठीक है, अपने नाम किया। भारत ने 1984, 1988, 90, 91, 95, 2010, 2016, 18 और 2023 में एशिया कप का खिताब जीता था। वही दूसरे नंबर पर श्रीलंका भी है, सबसे अच्छी टीम को हराए हैं, जिसने 6 बार एशिया कप ट्रॉफी को अपने नाम की है। श्रीलंका की टीम 86, 97, 2004, 2008, 2014, 2022 में एशिया कप खिताब जीत चुकी है। वही 2000 और 2012 में एशिया कप की ट्रॉफी का ताज पाकिस्तान के सर रचा था। 2 बार पाकिस्तान भी जीत चुकी है। अच्छी टीम भाग ली थी, लेकिन अपने भारत ने बहुत अच्छा कमाल दिखाया है। चलिए, सब कवर हो गए ना क्वेश्चन? एक झलक और देख लेते हैं, ये मैंने बता ही दिया है। उसके बाद 50 रन पर सिमट गया था, ये मैंने बता ही दिया है। अद्भुत किया है, जो सिर्फ 16 गेंद में ही झटक दिए 5 विकेट, 4 विकेट एक ही ओवर में, यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय मोहम्मद सिराज, भारत 8वीं बार, ये सब बता चुके हैं ना। चलिए, मैंने सारे न्यूज़पेपरों का कलेक्शन आप लोगों के लिए ही किया था कि आज इसी क्रम के बारे में बताएंगे। चलिए, ये वाले क्वेश्चन के बारे में थोड़ी एक नज़र मार लेते हैं। भारत की 5 सबसे बड़ी जीत बताई गई है। हाँ, एक क्वेश्चन इधर बन रहा है कि भारत की 5 सबसे बड़ी जीत कौन कौन सी हैं। ठीक है, एक तो 2023 में है, 263 रन पर 10 विकेट श्रीलंका को हराया। भारत की 5 सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी जीत है। उसके बाद किसको हराया था? केन्या को हराया था 2001 में।
231 रनों से 10 विकेट से 2 बार हरा चुकी है, और इसके बाद 9 विकेट से किसको हराया था, वेस्ट इंडीज को 211 रन। बहुत बढ़िया, 10 विकेट से इंग्लैंड को भी हरा चुकी है और 9 विकेट से यूए को। एशिया कप के 5 न्यूनतम स्कोर, भारत श्रीलंका ने स्कोर 50 बनाया, बांग्लादेश 87, और इसमें भारत नहीं है। ये सब मैंने अब बता दिया है, मेन मेन क्वेश्चन आप लोगों को, मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए थे, तो ये मैन ऑफ द मैच रहे थे, ठीक है, वो मैन ऑफ द मैच रहे थे और वो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे कुलदीप यादव, कुलदीप यादव। और इन जो कैच में सबसे बेस्ट कौन रहा था, वो रविंद्र जडेजा रहे थे, बता चुके हैं 6 विकेट। अब इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लीजिएगा, मिस मत करिएगा। जय हिंद, जय भारत। पीएस एकेडमी से आपका प्रदीप।